मन तो खा चुकी है या दोबारा खा रही है? भैया चार या चार खा। थाली कैसे साफ हो गई इतनी? हाँ, इसकी थाली भी साफ सुथरी हो रही है। अभी जरा बता रहा, हमें भी ये हुनर कैसे सीखा तुमने? ये चटकारे लगा लगा के। तो गुड आफ्टरनून दोस्तों, बल्कि गुड आफ्टरनून भी नहीं, बल्कि गुड इवनिंग का टाइम हो गया है। 3 से ऊपर क्रॉस कर चुका है टाइम, और अभी हम लोग खा रहे हैं खाना। और कल का काफ़ी सारा माल बचा हुआ था तो वो भी हमने निपटा लिया है। ये जैकेट भाई को कल गिफ्ट मिला है बर्थडे पे, अब पर कैसा लग रहा है? शानदार। तो मेरे पसंदीदा कलर है ब्लैक, वाइट, रेड। और एक लड़की पहुंच गई फ्रिज के पास, क्या कर रही तुम? दूध मलाई खाएंगे, नानी के घर जाएंगे। दूध मलाई अच्छी। नानी ने खाई मच्छी, मच्छी में निकला कांटा। नानी ने मारा नानी ने मारा चाटा, चाटा लगा तेज। फिर हैं, देखो दोस्तों नई डिश बन गई यहाँ पे। देखो दोस्तों, यानी तो नीचे तो मोटी माँ देख, कन सुखनी बिचे नीचे भी खिला जरा माले। नींद आ रही है, नींद नहीं आएगी हमें, इतने दिन से हम ढंग से सोए भी नहीं। तो दिन में क्यों सोना था हमने? ओहो, तो मतलब इतने दिन। तो फ्रेंड्स, कई दिन से हम लोग घर से बाहर ही हैं, कभी कहीं घूम रहे हैं, कभी कहीं घूम रहे हैं, और इस चक्कर में हमारे सारे पौधे भी डिस्टर्ब हो गए सारे के सारे। और आज अन्नपूर्णा जी के मन में बड़ी प्रबल इच्छा हुई है कि वो पौधों की सेवा करेंगी। मेरी कोई चढ़ी हुई है, ऐसा कुछ नहीं बोला। तो अभी आप देखेंगे कि भाई ज्ञान देता रहेगा और अन्नपूर्णा जी उस ज्ञान को अमल में लाएंगी, और इनके जीवन में देखिए फिर कैसा निखार आएगा। पौधों की सेवा बहुत बड़ी सेवा होती है अन्नपूर्णा जी, तुम क्या जानो? बहुत बड़ी, बहुत ऑक्सीजन के कारक हैं पौधे। हाँ। तो आप रोज उनको पानी डालो, जल चढ़ाओ। तो चलो फिर। तो फ्रेंड्स, अब हम जाएंगे बाहर, थोड़ा सा पौधों को देखते हैं। हाँ, इनको इतनी सारी ऑक्सीजन तो तुम ही पी रही हो उनकी। सर बोरे भोर भोर एक ऑक्सीजन पीनी जो की हर बात बढ़ा। चल 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 चल, पानी डालेंगे। चलो चलो चलो। मानव कुमार तो बाहर गप्पे मार। अच्छा, मैं सुना माना खा चलेगा बेटा, तुमको इसको देख के खुशी नहीं हो रही कितना सुंदर फूल गया है? तो देखिए दोस्तों, मैंने आपको पहले दिन भी दिखाया था, लेकिन पानी की इसमें कमी हो गई है। हालांकि इसको ज्यादा पानी नहीं चाहिए होता बोगनवेलिया को, अगर आप ज्यादा पानी देंगे तो फ्लावरिंग बंद कर देगा। मानो एंड गैंग को देखो कितनी देर से गप्पे का। फ्रेंड्स, बाहर मानो की फ्रेंड्स आई हुई है और वो लगी हुई है गप्पों में, जरा देखते हैं इनकी छुई आखिर क्या बात चल रही है। तो दो दो माना है यहाँ पे। कैसे बेटा? कैसे? बढ़िया बढ़िया। तुम बताओ। भागी एकदम से। सुना नहीं उसने। आजा बैठ। नहीं नहीं भैया, मैं जा रही हूँ। चल। तो ये यहाँ पे गप्पों में बिजी थी है। तो फ्रेंड्स, ये भी माना और वो भी माना है। हम सोच रहे तो सो गई। भाभी को ना अभी दिव्य ज्ञान की प्राप्ति हुई। पूछ क्या हुई? ना 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 ना, प्राप्ति तो ये भी थी कि आप डालोगे और मानो आपकी हेल्प करेगी। तो फ्रेंड्स, गाड़ी मैंने वहाँ से उठा के यहाँ पार्क कर दी है। हाँ, उठा के अपने मजबूत कंधों में। तो फ्रेंड्स, ये लिए हमने गाड़ी। तो ब्लैक कलर नेक्सॉन, आई होप आपको भी अच्छी लग रही होगी। इसके फीचर भी बताऊंगा आपको सारे बाद में। अभी जरा मैं खुद, अभी मुझे जरा चलानी प्रॉपर नहीं आती है, तो थोड़ा थोड़ा हाथ साफ कर रहा हूँ धीरे धीरे। जब प्रॉपर सेट हो जाएंगे तो अन्नपूर्णा जी और मैं अकेले जाएंगे फिर किसी लॉन्ग ड्राइव पे, कैसा रहेगा? इंतजार, तो इंतजार है किसी को हमारा कि हम जल्दी सीख लें और मजा लें इसका। ए पत्ते, कूड़ा क्यों फैलाती है तुम? इतनी बदमाश हो। ये देखो उल्टा काम। चल पानी डालो ना, पाइप लगाओ। अभी तो इतना सारा ज्ञान दिया तुमको। तुमने तो काम करना नहीं है, तो मैं तो डालूंगा ना अपने प्यारे पौधों में पानी। मेरे से बात मत करो, उधर चलो हटो, भाग जाओ। मैं तुम्हें पानी देता हूँ। किसी काम की नहीं है ये लड़की। मेरे पौधों के मतलब मेरे मेरे पौधों के मामले में ना, बाकी तो बहुत काम की है। तुम कह सकते हो नोबिता। नहीं 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 नोबिता तुम्हें आता है।
अच्छा आज ना सारा खाना मैं बनाऊंगा, अगर तुमने 5 पौधों के नाम बता दिए तो। हाँ पक्का, मैं मतलब जिनके नाम मैं पूछूंगा, ठीक है, अगर 5 में से आपने 3 भी बता दिए तो आज मेरी तरफ से आपको खाना बना के खिलाया जाएगा। डन, बताओ। चल पहला पौधा ये है अलमांडा। ओ तेरी, कहीं मैं फंस तो नहीं गया अपनी बातों में? चल ये वाली बेल काई की है, ये तुम नहीं बता सकती। यस बता दीजिए। बताओ बताओ। मैं अलियारा देवी हूँ। अच्छा चल, नहीं बता पाई, हार मान ली। नहीं याद तो करूंगी ना, लेकिन नहीं आ रहा, इतना टाइम थोड़ी मिलेगा सोचने का। अच्छा चलो दूसरा, और जैसे कि सोच के याद आ जाएगा। अच्छा दूसरी, तो इसका नाम है लहसुनिया, ये लहसुनिया बेल है। इसका नाम बताओ, इसका नाम क्या है? इसका आपको पता है? मुझे तो पता है, मुझे तो उसका भी पता है। मुझे भी पता है। आपको मौका दिया था, बताओ बताओ। इसका भी नहीं पता? देखो इसके बच्चे भी निकलते हैं ऐसे, मैंने आपको पहले भी बताया था इसके बारे में। हाँ तो बता नाम। नहीं आ रहा, स्पाइडर प्लांट, ठीक है। चलो हाँ हाँ चलो, इसका नाम बताओ, ये कौन सा प्लांट है? ये वाला चल रहा है। मांडा। गलत जवाब, गलत जवाब। सुमांडा नहीं, अलमांडा। अलमांडा भी नहीं है, मुसुंडा। तो आपके अभी तक एक आंसर सही है बस। हाँ बेबू का नाम क्या है? बेबू क्यों बताएगा, आप बताओ। तू नगर, तू पर्ची कराने आ रखा है यहाँ पे? बेबू का नाम क्या है? लाल पत्ते वाले का नाम। लाल पत्ते वाले अपना नाम। फुस्सी हो तुम दोनों, फुस्सी। बाय। ये जो पौधा यहाँ पे बिल्कुल मुरझा गया है, इसका नाम बताओ। अरे पूछ भी तो ऐसे ऐसे पौधे के नाम दे। स्वीट पोटैटो वाइन, इसका नाम पूछो जिसका पूछना है। ये सारी दुनिया को पता है, गुड़हल। बिल्लो से फूल आने वाले हैं। वाओ, डर गई क्या? फ्रेंड्स हमारी ये बेल बहुत सारे फूल देती है, भरने वाली है कुछ दिनों फूलों से। वाह 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 वाह। कितना पानी डालोगे अब? अगर आपने इसका नाम बता दिया, इसका नाम बता दोगी तो आप जो बोलोगी आज वो मैं मान लूंगा आपकी बात। इसकी जड़ मोटी होती है, सबका नाम मोटा होता है। हाँ, क्या नाम है इसका? नाम पता नहीं, वाटर कुछ होगा। वाटर मेलन तो नहीं है कहीं? बताओ बताओ। इसका नाम है चाइना पाम या पोनी टेल पाम, क्योंकि आप इसकी पोनी बांध सकते हो ना। देखो ये ऐसे करके और ऊपर बंध जाती है पोनी, तो इसको पोनी टेल पाम भी कहते हैं, ठीक है। तो इसका नाम सबको पता है, सबको पता है। तो आज आपके पास बहुत अच्छा, बहुत अच्छा मौका था। ये चंपा है और आपने वो मौका गंवा दिया। चलो अच्छा चलो, ये हमारे पास देखो बड़ा भी है ना ये वाला पौधा, इसका नाम बताओ। चलो मैं मान जाऊंगा। चलो फिर से एक मौका आपको। ऐसे नहीं, नहीं चाहिए मुझे। क्या नाम है? स्टार फाइकस। बस और पूछू? डर गई? नहीं, क्यों? नहीं नहीं, आप नहीं चाहती कि आप जीतो और मैं आपके लिए खाना बनाऊं आज? नहीं। आपका मन नहीं करता कि आप भी शान से बैठी रहो और आपको मैं बैठा बैठा के खिलाऊं? बिल्कुल अच्छा नहीं लगता मुझे अपने। नहीं नहीं लगता है, बुरा नहीं लगता है, बहुत मजा आएगा आपको। आप कोशिश तो करो, अगर आप जीत गई तो। मुझे अपने का खाना अच्छा लगता है। अच्छा बताओ ये कौन सी प्रजाति का? अच्छा इस पौधे का नाम बता दो। चलो मनी प्लांट, मनी प्लांट। आपको भी क्या ऐसे ही लगता है मनी प्लांट है? तो फ्रेंड्स ये कौन सा पौधा है आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। मैंने इसका नाम भी बताया बहुत अच्छे से कई बार, और देखते हैं कौन सी प्रजाति का है, कौन बता पाता है इस बात को, है ना। इसके मेरे पास 3-4 वेरियंट है। जी नहीं, ये मनी प्लांट नहीं है। तो चलिए ये क्वेश्चन आपके लिए भी है कि आप लोग बता पाते हैं या नहीं बता पाते। और इस तरफ भी डाल देते थोड़ा पानी। ये सब, ये भी सोचो, ये भी उसी प्रजाति का है। और अक्सर लोग इस मतलब ये और वो एक ही हैं। ये मनी प्लांट है जिसको पोथोस भी कहा जाता है। ये अलग चीज़ है और ये अलग चीज़ है, समझ गए? ये मनी प्लांट है लेकिन लग एक जैसे रहे, लेकिन वो नहीं है। अच्छा चलो इसका नाम बता दोगी ना? अगर इसका नाम आपने बता दिया तो आप जो बोलोगी मैं जीवन भर वही करूंगा। नहीं, इस प्लांट का नाम बता दो, अगर इस वाले का गूगल का गूगल भी कर लो। चलो आपको ये भी छूट है, तब भी नहीं बता पाओगी आप। गूगल बाबा खुद बन गया। तो यहाँ पे माना चाय लेके आ गई हमारे लिए। तुम्हारी पिटाई होने वाली है। तो आपको उसका नाम पता है या बता दूं? ना। इस पौधे का नाम है मिल्कियाना ड्रेसिना। क्या नाम है? मिल्कियाना ड्रेसिना। ये देखिए ढंग से देख लीजिए, ये है मिल्कियाना ड्रेसिना। चलिए एक और ज्ञान की बात बता दी मैंने आपको आज। और ये सारे पौधों के नाम मैं आपको पहले बता चुका हूँ कई बार,
अब वो बात अलग है कि आप याद नहीं रखती हो। ये हमारा प्यारा बुगनविलिया, ये बड़ी शान से बतानी चाहिए यार। ये हमें रोज रोज सुनने को मिलता है, बुगनविलिया पे फूल आ गए, बुगनविलिया इतना खूबसूरत लग रहा है, बुगनविलिया ये हमारी चंपारानी, इनका पूछो इनका पूछो, जिनका पता है उनमें चलाक बन रही हो। अडेनियम। और इसको और क्या कहते हैं बताओ? रेगिस्तानी। जी गुड गुड। चरण पुंडित इस पौधे का नाम, इधर आओ, इस पौधे का नाम बता दोगी तो मान जाऊंगा। अरे यही अभी तो बताया आपने। बताओ बताओ। गुड गुड। छह महीने कोई सर्दी लगाई जब की बार बढ़िया मैं। अच्छा इस पौधे का नाम बता दोगी तो मान जाऊंगा। लहसुनिया। नहीं गलत जवाब गलत जवाब। इसका नाम है रजनीगंधा। शाबाश। लेकिन यहाँ पे आपको कोई वो नहीं मिलने वाला इनाम। क्यों दोगे आप? ये गुलाब है, पांच पौधों के नाम बोल के बताते थे। तो मैंने जितने पूछे उनमें से तो आपने ज्यादा नहीं बताए। तो उनमें हम डाल देंगे। पक्का ना? पक्की बात। तुम्हारा मुझे भरोसा ना, तुम सारे पौधे मार दोगी। देखो इसका नाम बोलो। सैक्यूलेंट है ये। सैक्यूलेंट। सैक्यूलेंट एक प्रजाति होती है, मतलब इस तरह के जो पानी भरे हुए पौधे होते हैं सब सैक्यूलेंट कहलाते हैं। और इसमें बहुत सारे फूल आने वाले हैं। देखो इसका वैसे नाम बताओ। इस ज्यादा नहीं पता मुझे। चल्ला चप पत्थर चट्टा। पत्थर चट्टा वो है नहीं है, पथरी में खाते हैं लोग। ये नहीं है, वो दूसरा होता है। चलो अब हम बस आप चांदनी पे भी पानी डालने लगे आप। तो फ्रेंड्स यहाँ पे अन्नपूर्णा जी का सामान्य ज्ञान, पौधा ज्ञान हमने टेस्ट किया, और जिसमें बुरी तरह से फेल हुई है। कंपार्टमेंट भी नहीं आई इनकी, बुरी तरह से फेल, पीछे से फेल ही फेल फेल। हार गई। तो फेल होने की खुशी में क्या क्या खिलाने वाली हो तुम? पहली बार फेल होने की खुशी में हमने चाय पार्टी रखी हुई है। तो आइए चाय पीते हैं। चाय पिए मान लो बनाइए मस्त चाय। मानी बैठिए। अरे क्या हुआ? पानी है तो पानी तो है, कोई बात नहीं। बाप रे फिर से भर भर के चाय। ओह मानिए आज तो बड़ी मस्त चाय बनाई बेटा। बनना हाँ मानी आज कतई जहर सुधी बना चुकी चाय भी जी ना ये ने अच्छी बनी चाय मानी आज कतई जहर मतलब बेस्ती करवाना चाहिए। तू क्या बनी ना है? तो फिर से मैं पानी में बैठ गया था और ये हंसे जा रहे हैं मेरे पे। और तू ज्यादा हंसती है तो ले तेरे लिए एक सवाल। तो सलवार तो तीन पैरी मीन तो जींस पैरी जींस तेर बाल सलवार गिल्लू। चल एक सवाल पूछता हूँ। हाँ। तैयार हो तुम दोनों? हाँ। तो जबरदस्त तड़कता भड़कता सवाल आया मेरे दिमाग में। मार्च और अप्रैल महीने के बीच में ऐसी क्या चीज है जो दोनों महीनों में कॉमन है? मार्च के महीने में भी आती है वो चीज और अप्रैल के महीने में भी आती है। दोनों महीनों के बीच में ही आती है लगभग लगभग। हाँ लगभग बीच में ही आती है। अमावस्या। अमावस्या। मानो तुम्हें क्या लगता है बाबा? नहीं पता नहीं। गर्मी। बीच। गर्मी। मार्च में भी आती है अप्रैल में भी आती है दोनों के बीच में आती है। क्या चीज आती है मार्च अप्रैल? अरे अल्फाबेट आर आता है भाई। अप्रैल आर, मार्च में भी आर। ये देखा ज्ञान वाले सवाल नहीं। तो दोस्तों एक और जबरदस्त सवाल पे 2 करोड़ की चपत लग गई इन दोनों को। क्या अगले सवाल के लिए आप लोग तैयार हैं या आज के लिए बस इतना ही? नहीं, रहने दो तुम्हारे बस की। ना मैं नहीं पूछ रहा बिल्कुल भी नहीं ना। ये मेरे सवालों का जवाब नहीं दे पाते इसलिए आज के लिए बस इतना ही। दोस्तों कल फिर मिलेंगे एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय एंड जय जय बद्रीशाल। और नए दोस्त सब्सक्राइब करें प्लीज, और बहुत सारे कमेंट करें, लाइक करें। तो फिर मिलेंगे। Take care, goodbye.